सॉफ्टवेयर है आज का हमारा स्विच मैक्स, टॉपिक नंबर 1 है डिज़ाइन शेप। डिज़ाइन शेप में हमें क्या करना है, जैसे आप स्विच मैक्स के अंदर हम काम के बेसिकली यूज़ किसके लिए करते हैं, जैसे स्विच मैक्स के अंदर आपने पिक्चर्स के अंदर एनिमेट कराना हो, शेप्स के अंदर एनिमेशन देना हो, कार्टून्स वगैरह जो एनिमेटेड आप देखते हैं, तो ये सारा काम हम किसके अंदर करते हैं, स्विच मैक्स पे। स्विच मैक्स में सबसे पहले हम शेप्स डिज़ाइन करेंगे। तो शेप्स किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं, सबसे पहले आपने स्विच मैक्स ओपन किया, ये आपके पास स्विच मैक्स का मेन्यू बार कहलाता है और ये इसका टाइमलाइन फ्रेम कहलाता है और ये इसके कहलाते हैं टूल्स बार। टूल्स बार में हमें देखें यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर हमने शेप्स डिज़ाइन करने, शेप डिज़ाइन करने के लिए पहले आपने यहाँ से सिलेक्ट किया एलिप्स टूल, एंड आउटलाइन अगर आपने ओपन रखनी है तो यहाँ से हम आउटलाइन सेलेक्ट करेंगे। आपने आउटलाइन का कलर चेंज रखना है तो आप यहाँ से आउटलाइन का कलर चेंज भी कर सकते हैं। इस तरह आउटलाइन का हमने कलर चेंज किया, फिल कलर पे जाकर आपने कोई भी फिल कलर में जाके कोई भी कलर सेलेक्ट किया, एलिप्स टूल लेके आपने यहाँ पर एक शेप ड्रॉ कर दिया। शेप ड्रॉ करने के बाद अब हम दूसरा शेप ड्रॉ करेंगे, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे रेक्टेंगल टूल, यहाँ से हमने एक रेक्टेंगल टूल लोड ड्रॉ किया, कलर चेंज किया आपने, यहाँ से कोई भी हमने कलर सेलेक्ट किया। अब हम यहाँ से सेलेक्ट करेंगे ऑटो शेप्स के अंदर, देखें आपके पास बहुत शेप बने हुए आ रहे हैं, 3D शेप भी हैं, सिंपल शेप भी हैं, कोई भी आपने यहाँ से शेप सेलेक्ट किया एंड इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। ड्रॉ करने के बाद आपने एक और शेप सेलेक्ट किया 3D एंड इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दिया। इस तरह आपने वन बाय वन शेप सेलेक्ट करके इसको ड्रॉ किया। अब हमने इसमें कलर वगैरह चेंजिंग करनी है या शेप चेंज करना है तो किस तरह करेंगे, आपने शेप को सेलेक्ट किया, शेप में सेलेक्ट करके अब हमने इसकी शेप वगैरह की साइज इंक्रीज डिक्रीज करनी है, शेप चेंज करनी है, तो यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है आपके पास रीशेप। रीशेप में जब आप क्लिक करके इस शेप पे क्लिक करेंगे तो देखें आपके पास ये पॉइंट्स बने हुए आ रहे हैं इस शेप के ऊपर। इस पॉइंट पे क्लिक करके आपने इसको किसी भी साइड इस तरह ड्रैग करेंगे तो आपके शेप की क्या हो जाएगी, शेप इस तरह चेंज हो जाएगी। शेप हमने चेंज की इस तरह शेप की, इस तरह आपने सेकेंड शेप को लिया, दोबारा रीशेप के अंदर जाकर आपने इसकी शेप चेंज कर दी। इस तरह स्टार की शेप चेंज करनी है, स्टार की भी हम शेप इस तरह चेंज कर सकते हैं जो आप शेप चेंज करना चाहें। पेज को जूम इन जूम आउट किससे करना है, कंट्रोल माइनस एंड कंट्रोल प्लस से, इससे पेज जूम इन एंड जूम आउट हो जाएगा। इस तरह हमने शेप चेंज की इसकी। अब आपने 3D फैट शेप के अंदर भी कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से भी इसका कलर चेंज कर सकते हैं। इस तरह हमने शेप का कलर चेंज किया, आउटलाइन आपने कलर देना है तो यहाँ से आप आउटलाइन कलर भी दे सकते हैं। आउटलाइन पे आपने कलर वगैरह चेंजिंग करनी है तो यहाँ से आप आउटलाइन का कलर भी चेंज कर सकते हैं। ये हमने शेप डिज़ाइन कर लिए। अब आपने इसमें ग्रेडियंट कलर फिल करना है, डिफरेंट कलर्स फिल करने, तो फिल के नीचे यहाँ पर आपके पास लिखा आ रहा है सॉलिड फिल, सॉलिड फिल पे जाके आपने यहाँ से रेडियल ग्रेडियंट कलर सेलेक्ट करना है। तो देखिए आपके पास ये ग्रेडियंट कलर के अंदर चेंज हो जाएगा शेप। अब आपने इसके शेप में अंदर इस बॉक्स पे कलर चेंज करना है तो आप यहाँ से इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं। इस तरह दोनों स्लाइडर से यहाँ से हम सिंपल कलर्स भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये आपके पास ग्रेडियंट कलर आ गया। टॉपिक हो गया आज का हमारा कंप्लीट। स्विच मैक्स में हमने आज बनाना सीखा है कि आप शेप सिंपल किस तरह डिज़ाइन कर सकते हैं स्विच मैक्स के अंदर।